जहाँ हमारे देश ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों का डट के सामने किया है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1967 हो, द कारगिल वॉर ऑफ 1999 हो, या वो अब एट प्रेजेंट कोविड-19 के खिलाफ ये बैटल हो। दिस इज़ इंडीड द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, जहाँ हर दिन 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और बेड्स एंड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। बट ये टफ बैटल्स भी बहुत अच्छे से जीती जा सकती है अगर हम यूनाइटेड रहें एंड हमारे पास सही लोगों का साथ हो और गाइडेंस हो, आपको नहीं लगता? और वैसे कुछ बोलने और बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपने DNP इंडिया को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर एज समवन हु बिलीव्स इन बीइंग अपडेटेड एट ऑल टाइम्स, आप DNP इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहाँ मैंने आपको अभी बताया दैट इवन द टफेस्ट बैटल्स कैन बी वॉन विद द हेल्प ऑफ सम हेल्पफुल एंड गिविंग पीपल एंड इंडिविजुअल्स बाय आवर साइड्स, वहीं इस क्राइसिस के दौरान आई एम श्योर कि ये सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देश के कितने सारे वेलफिशर्स हैं एंड एज मैनी एज 40 कंट्रीज हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प इंडिया इन दिस टाइम ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। जी हाँ, सो डेली पोस्ट के एक रिपोर्ट के तहत फॉरेन सेक्रेटरी हरीश सिंगला ने कहा है कि ओवर 40 कंट्रीज इंटीग्रेटेड इनटू सप्लाई चेन्स ग्लोबली, जहाँ देव ऑल्सो बीन सोर्सेज इक्विपमेंट्स, एंड इसी के रिजल्ट के चलते इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू गेट अबाउट 550 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड 70 साइक्रोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स। आर कंट्री विल ऑल्सो रिसीव अबाउट 4,50,000 डोसेज ऑफ रेमडेसिविर एंड 3,00,000 डोसेज ऑफ अदर एसेंशियल मेडिसिन फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया एंड UAE। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश को ये फर्स्ट इंटरनेशनल हेल्प सबसे पहले UK से आई थी, दैट इज़ द यूनाइटेड किंगडम, फॉलोड बाय रशिया, US एंड फ्रांस, जहाँ नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड भूटान हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग इंडीड। जहाँ अभी तो मैंने आपको एक शॉर्ट जिस्ट में बताया कि कैसे द अदर कंट्रीज आर हेल्पिंग इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड आई एग्री विद दैट, पर मैं आपको ये बताऊँ कि अब्रॉड की कंट्रीज और वहाँ के लोग भी, येस द पीपल ओवर देयर आर लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न टू हेल्प अस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। जी हाँ, UK यानी यूनाइटेड किंगडम में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है द साइकिल टू सेव लाइव्स, जो एक 48-आवर नॉन स्टॉप स्टैटिक रिले साइकिल चैलेंज है, और वो UK में जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वहाँ हो रहा है, विच इज़ देयर इन नॉर्थ लंदन, और उसका एक ही एम है टू रेज मनी एंड फर्दर हेल्प कोरोना वायरस अफेक्टेड विक्टिम्स इन इंडिया। यस, सो योगेन शाह जो एक ब्रिटिश IT कंसल्टेंट हैं, वॉज पर्सनली रियली सैडन एंड अनहैप्पी जब वो रोज़ सोशल मीडिया पे लोगों की पिक्चर्स देखते थे, पीपल स्टिकिंग टू ऑक्सीजन बॉटल्स ऑन द स्ट्रीट्स एंड पेशेंट्स जो एक ही बेड शेयर कर रहे हैं, एंड ऑल्सो इमेजेस ऑफ ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स एंड वॉट नॉट। सो ये देख के ही वॉज वेरी सैड, एंड उसी के बाद ही जॉइन वॉलंटियर्स फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिटेन्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स जिसका नाम है श्री स्वामी नारायण मंदिर, वो सेट आउट टू रेज 5,00,000 pounds, विच इज़ अबाउट 5.1 crore अप्रॉक्सीमेटली, बाय राइडिंग 7,600 kilometers, विच इज़ लाइक 4,700 miles, ऑन स्टेशनरी बाइक्स रफली द डिस्टेंस फ्रॉम लंडन टू दिल्ली, विच इज़ 48 hours। यस, सो इस इनिशिएटिव में 12 स्टेशनरी बाइक्स मंदिर के सामने रख दी गई हैं, और ईच वॉलंटियर हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम वो एक बाइसाइकिल को 50 मिनट्स तक चला सकता है, और उससे पहले द राइडर हैज़ टू सैनिटाइज द बाइसाइकिल फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर हैंडलिंग इट ओवर टू द नेक्स्ट वॉलंटियर और द नेक्स्ट पर्सन। एंड अभी तक इट फील्स सो गुड टू नो कि 750 पीपल हैव वॉलंटियर्ड फॉर द इवेंट, और हर एक वॉलंटियर ने एक फंड रेजिंग पेज सेटअप कर लिया है दैट गोज टूवर्ड एन ओवरऑल फंड रेजिंग गोल।
जहां ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम इन इंडिया अराउंड 1.4 मिलियन इंडियंस हु लिव इन द यूके ट्राइड टू हेल्प देयर रिलेटिव सम वे और द अदर इन एनी वे और द अदर, जहां ये साइकिल रिले पैंडेमिक को रोक नहीं पाएगा, बट सम वे और द अदर इससे ये पता चलता है दैट लोग हमारे साथ हैं, वी आर नॉट अलोन, और इतना सा भी एफर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. श्री स्वामी नारायण मंदिर में जो लोग अभी हमसे इतना दूर हैं, जहाँ एक साइकिल के थ्रू वो फंड्स रेज कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल क्लोज टू अस, क्लोज टू आर हार्ट. डोंट यू एग्री विद मी? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज दूसरों के कितने छोटे या बड़े एफर्ट्स भी अगर हम एक्नॉलेज कर सकें तो क्या ही बात होगी. सो प्लीज़ इस एफर्ट को, जो यूके में ये एफर्ट चल रहा है फॉर अस, इसको एक्नॉलेज करें. एंड हाउ कैन यू एक्नॉलेज दिस? बाय शेयरिंग दिस कंटेंट एंड वीडियो एज मच एज यू कैन. लोगों को पता करना चाहिए कि हमारे कितने सारे वेल विशेज हैं, एंड दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न कि वो हमारी हेल्प कर सकें एनी विच वे. So please circulate and share this video as much as you can. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP India.